सलीम रजा शेख के रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में पुरानी कराची नेशनल हाईवे पर वाके दरगाह इनायत शाह के कब्रिस्तान के तहफ्फुज के लिए गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई दीवार नाजायज तजावुजात दिखाकर गिरा दी गई और कब्रों को भी क्रॉस के निशान देकर इनको मस्मार करने की तैयारी कर ली गई, जबकि दीवार गिराने की वजह से कब्रों को भी नुकसान पहुंचा और दीवार के साथ गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई ठंडे पानी के साफ पीने के पानी की टंकी भी मस्मार की गई, जिसकी वजह से आने वाले सैकड़ों मुसाफिर और अकीदतमंद पीने के ठंडे पानी से महरूम हो गए। इंतजामिया के ऐसे कदम के खिलाफ दरगाह के फकीरों और अकीदतमंदों ने दरगाह इनायत शाह के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत दरगाह मतवली फकीर नूर मोहम्मद कुरैशी, अमजद शाहवानी, सुदेर उर्फ सस्ती, फकीर रहमतुल्ला जमानी, हबीबुल्ला नौ नारी और दीगर कर रहे थे। मुजाहरे के रहनुमाओं ने सहाफी को बताया कि कोर्ट का हुक्म है कि कब्रिस्तानों से नाजायज कब्जे हटाकर कब्रिस्तानों को तहफ्फुज दिया जाए, पर अफसोस के दरगाह इनायत शाह पर कब्रिस्तान को तहफ्फुज देने के बजाय गवर्नमेंट की जानिब से कब्रिस्तान के लिए तहफ्फुज के लिए बनाई गई दीवार गिरा दी गई और 2 फुट तक कब्रों को भी क्रॉस के निशान देकर कब्रों को मस्मार करने की प्लानिंग की गई, जो दुख और अफसोस की बात है। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान सैयद मुराद अली शाह सैयद साइम अली शाह नफीसा शाह नवाब वसना और मुकामी इंतजामिया से दर्दमंदाना अपील की है कि दरगाह इनायत शाह कब्रिस्तान की बेहुरमती करने के बजाय तहफ्फुज दिया जाए, दूसरी सूरत में वो कोर्ट जाएंगे। मज़ारो उर्फ मछर मुख चाहिए तो इन कब्रुन के अस शिफ्ट कह इस्लाम दीन में यो उलमा कर सभी के मुझे अर्ज आयो बुधा वे कब्रू शिफ्ट थीं या उन कब्जी बाहर किया वो डीसी साहब के अर्ज आने असफाजत सैयदन हाईकोर्ट के जज के अर्ज आ तो वो दरगाह के तहफ के बदर दरगाह के कब्जा क्या था वन मैयत भी बेहोशी कर For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.